नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर बिहार पर। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले पटना में आयोजित जेडीयू की अनौपचारिक बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 15 मिनट ही बैठक में रहे, उसके बाद वे निकल गए। इसके बाद सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर शनिवार दोपहर में भोज का आयोजन किया गया था, उसमें 40 विधायक ही पहुंचे। बिहार विधानसभा में जेडीयू विधायकों की संख्या 45 है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि अधिकतर विधायक पहुंच गए हैं, जो नहीं आए हैं वे भी पटना पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी के नेता लगातार सियासी खेला होने का दावा कर रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार के पटना स्थित आवास पर जेडीयू विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गांधी मैदान में कृषि मेले का निरीक्षण करने के बाद मंत्री के आवास पर पहुंच गए, मगर उस समय तक पार्टी के सभी विधायक नहीं आए थे। सीएम नीतीश करीब 15 मिनट ही श्रवण कुमार के आवास पर रुके और फिर वहां से निकल गए। इसके बाद चर्चाएं उठने लगी कि विधायकों की कम संख्या देखकर नीतीश नाराज हो गए और आवास से चले गए। बिहार विधानसभा में जेडीयू विधायकों की संख्या 45 है और मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर पहुंचने वाले विधायकों की संख्या 40 रही। जेडीयू के जो विधायक इस बैठक में नहीं आए उनमें डॉक्टर संजीव, बीमा भारती, शालिनी मिश्रा, सुदर्शन और दिलीप राय शामिल हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने नहीं आने वाले विधायकों को फोन मिलाया और उनसे जानकारी ली। पार्टी नेताओं का दावा है कि रविवार को होने वाली बैठक में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ विधायक रास्ते में हैं, वे शाम तक पटना पहुंच जाएंगे। वहीं एक दो विधायक ने निजी कार्यों और स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया है। हालांकि जेडीयू के नेता अपने किसी भी विधायक के गायब या संपर्क से बाहर होने की बात से इनकार कर रहे हैं। रविवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का बहुमत परीक्षण यानी कि फ्लोर टेस्ट होगा। खैर, इस जानकारी में इतना ही। बिहार से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें खबर बिहार के साथ। धन्यवाद।